मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। रगीना से नहीं हो सकती शादी तेरी। क्यों पाँच, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि तेरा रिश्ता फिरोजा के साथ तय हुआ है। मेरा रिश्ता तय? हाँ, तेरी दादी ने बचपन में किया हुआ था सारे खानदान के सामने, बस कह दिया। मुझे तो नहीं पता। तो चलो अब तो पता चल गया है ना, तुमने तो पोले से मुंह से कह दिया कि खाला के कारण, मुझे भी तो बता ना, मैं कैसे ये जुल्म कर दूं अपने छोटे भरा के साथ जिसने सारी जिंदगी अपनी बेटी तेरे नाम पे घर में बिठा के रखी है। मुझे वो तरीका बता जिससे मैं उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दूं। ओ खून है मेरा। इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी सलीकाशार, हुनरमंद बच्ची है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी लड़की। माची आपकी सारी बातें ठीक है पर मैंने आपको अपनी दिल की बात बता दी है, आगे आपकी जो मर्जी। बादशाह लोग हैं, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, हमारी माँ जी हैं, हम तो आपके सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते, इनकार करना तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी, आगे आपकी मर्जी है। हाय नगीना, तुझे मैंने कितनी दफा समझाया है कि रोटी को गोल बनाना सीख ले, पता है मर्दों को चोंच वाली रोटियां नहीं पसंद होती। क्या करूं, इतनी कोशिश करती हूं लेकिन मुझसे नहीं बनती ये गोल रोटी। अगर तू चाहती है ना कि तेरा शौहर तेरी तारीफ करे तो तू रोटी को गोल करना सीख ले। पर ये क्या साइंस बता रही हैं? ये वो तजर्बे हैं जो बेटियां माओं से सीखती हैं, हैं? अच्छा वैसे अगर आपने इतना कुछ सीखा था तो अबू ने आपको क्यों तलाक दी? उसके बख्त हार गए थे जो उसने नसीब को ठुकरा दिया। अच्छा, लेकिन उनका बिजनेस तो अभी भी काफी वेल सेटल्ड है। ओ, रोटी सड़ रही है, इधर देख। क्या करूं, वो ही इतनी खूबसूरत कि रोटी भी सड़ रही है। हाँ वैसे ये तो तू बिल्कुल सच कहती है। पता है जब तू पैदा हुई थी ना तो कई दिन चांदनी नहीं निकला था, तू इतनी खूबसूरत थी। हो सकता है कि मौसम खराब हो। जैसे आजकल भी बादलों में छुपाए चांद। मेरा दिल करता है कि या तो मैं इसे तलाक दिलवाऊं या मैं इसकी टांग तोड़वा दूं। बस क्या मतलब, 10 साल बाद इस घर में फिर से तलाक हो गई? मैं तुझे बसने के गुर बता रही हूँ और तू मुझे मेरे उजड़ने की हिस्ट्री याद करा रही है। आप फिक्र ना करें, तो फैल मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहता। अच्छा अल्लाह करे बेटा, चल देख रोटी की तरफ ध्यान दे। हाँ आप वो वाली बनाए बस।
ये मोहल्ला देख रहे हो पुत्र? ये बज ये सारा मोहल्ला हल्फन इस बात की गवाही देगा कि गुलाम तालब कभी अपनी बात से फिरता नहीं है। हक बात है अब्बा जी, एकदम खरी सच्ची बात है। अब्बा जी आपको एक मजे की बात बताऊं, चंद दिन पहले की बात है, मैं एक सोसाइटी के मालिक से मिलने के लिए गया। काम बड़ा था, बात इतवार पे आके रुक गई, उसे जमानत चाहिए थी और मुझे काम। अब्बा जी जो बंदा मुझे उसके पास लेके गया था वो जिला डीलर नहीं, प्रॉपर्टी डीलर, उसका पुत्र था जो तीसरी गली में रहता है। फौरन बोला, मलिक साहब यह जी गुलाम तालिब का पुत्र है, जो बात कहेगा उससे फिरेगा नहीं, जबान का पक्का। आपस की बात है अब्बा जी, उस वक्त मेरा दिल ये खुश हुआ, बिग हो गया। अब्बा जी जब कोई पुत्र के सामने प्यो की तारीफ करे या प्यो के सामने पुत्र की तारीफ करे तो बंदे का दिल खुश हो जाता है, वड्डा हो जाता है, बिग हो जाता है। फिर एक बात बता पुत्र, क्या तू चाहेगा कि लोग तेरे बाप को बेजुबाना कहें? ना पाजी ना, नेवर नेवर एवर। तो फिर मेरी बात, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, अभी तेरी बात रहती है। अजय भाजी वो भी सुना लो। अब्बा जी उसने आपका नाम लेकर मुझे जुबान का पक्का कहा, हाजी गुलाम तालिब का पुत्र कह के मुझे जुबान का पक्का कहा। तो बात बताएं अब्बा जी मुझे, क्या आप ये चाहेंगे कि लोग आपके पुत्र को बेजुबाना कहें, धोखेबाज कहें, ड्रामेबाज कहें, वो भी एक लड़की है अब्बा जी? ये तो मेरे सवाल को सवाल बनाकर मुझे ही क्यों सुना रहा है? सच्ची बात बताऊं आपको अब्बा जी, सवाल आपके पास भी है और जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे अब्बा जी को धोखेबाज कहें, बेजुबाना कहें, और ना ही आप चाहेंगे कि लोग आपके पुत्र को बेजुबाना कहें। फैसला आपने करना है अब्बा जी, अपने ही सवाल में जवाब दो। बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी के गेंद आपके ही बेड़े में है। अब आपका दिल करे तो चौका मारे, नहीं तो छक्का मार दे अब्बा जी। और वैसे भी आप बोले बादशाह हो, ऊपर से हमारे अब्बा जी हो, हम तो आपके सामने आंख नहीं चुक सकते। आपकी बात से इनकार करना बहुत दूर की बात है अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। बात है पुत्र, परेशान लग रही है। तुफैल का फोन ही नहीं आया अभी तक। हाँ तो सो गया होगा। नहीं, जब तक उनसे बात ना कर ले उसे तो नींद ही नहीं आती। तो समझ ले कि आज तेरे इतबार को इंतजार का धोखा दे दिया उसने। क्या मुझे समझा रही है या डरा रही है? मैं तो समझा ही रही हूँ बेटा, लेकिन अगर तुझे डर लग जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फैल उम्र में तुझसे बड़ा है, अगर कमाने वाला ना होता तो किसी ने भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना था उससे। मैं
मिर्जा, मैंने आशा से तुफैल भाई का नंबर मंगवाया है, बात करोगी? नहीं। ओहो मेरी शर्मीली बेगम, इतनी ज्यादा मिस कॉलें और वो भी नगीना की एक साथ। नहीं, तूने बात ही नहीं सही तरीके से की होगी, तुझे आती ही नहीं है। ओ फातिमा, जब कोई सवाल का जवाब सवाल में देने लगे तो समझ लो कि वो जवाब देना ही नहीं चाहता। हेलो, इसका मतलब है बात निकल निकल गई हाथ से। और नहीं निकली, तू परेशान ना हो। पर अभी मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, कॉल बैक ना की तो नाराज हो जाएगी, क्या करूं? मैसेज करता हूं। नहीं, मैसेज बिल्कुल नहीं कर सकता, मैसेज किया तो फौरन पूछेगी, फोन पे बात को नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊं कि अम्मी अबू लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है अब्बा जी और माँ जी जब सो जाएं उसके बाद फोन पे बात करूंगा, कॉल बैक करूंगा। सॉरी, अभी वो जवान है, जवानी की मस्ती चढ़ी हुई है और जवान औलाद को बूढ़े माँ बाप की बात आसानी से समझ नहीं आती। तुझे याद नहीं है अल्लाह बख्शे अब्बा जी मरहूम, उन्होंने जब मुझे तेरे रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने पहले साफ इनकार कर दिया था। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई जे, लुटी गई जे, मैं बर्बाद हो गई जे, ये हो गया। हाय मुझे तो पहले शक था, मुझे पहले शक था, मेरे बच्चों को बाजू मरोड़ मरोड़ के मारते हैं, इनके कान खींचते हैं, मैं पसंदगी नहीं थी ना इसलिए आए मेरे रब्बा। अल्लाह जी सही कहती थी बाजी बुशरा, सही कहती थी, माल चुराने वाला तौबा कर लेता है, ये आंखें चुराने वाला तौबा नहीं करता। वो फीनी पी लो, वो फीनी आए बगैर तभी तक तुझे याद है, पांच बच्चे पैदा किए मैंने, ट्रे में आगे रखी सजा सजा के, पर वो डैन तेरे जेन से ना निकली। आए रब्बा को पानी पिला दो, आए मैं गई जे, आए को पानी पिला दो। अबे मैं लेके आता हूँ पानी। नहीं, पानी चाहिए मुझे तेरे हाथ से, मैं कभी भी ना पीऊँ तेरे हाथ से पानी। माँ जी मैं लेके आता हूँ पानी। बेदफा हो, तेरे हाथ का भी नहीं पीऊंगी मैं, तू भी बाप की कापी है, तू भी वही कुछ करना दे, मैंने पीड़ा। और नहीं नहीं फातिमा, मैंने तो तुझे समझाने के लिए एक मिसाल दी है। हाय रे, बस कर दे, बस कर दे, चुप कर जा, मुझे सारा पता है तेरे कितों का। मालक को बुला, बुला मालक को, वे मालक, वे चूहे मार, दवाई ले आ, नीला तोता ले आ, जहर की पुड़ी ले आ। फातिमा अब इतनी छोटी सी बात के लिए खुदकशी करेगी? आ, मैं करूंगी खुदकशी, मैं क्यों करूं, मेरे करे दुश्मन, तुझे खिलाऊंगी जहर की पुड़ी, तुझे जिसने मुझसे बेवफाई की है। और मुझसे कसम चुका ले, मैंने कुछ नहीं किया, और बद से बदनाम बुरा होता है। अच्छा अब डर लग रहा है तुझे, है मरने से डर लग रहा है ना, उस वक्त नहीं डर लगा था जब करतूते की थी। मैंने तो तुझे समझाने के लिए मिसाल दी थी, तू गलत समझ गई है, इसमें मेरा क्या कसूर है? सही कहती थी, सही कहती थी मासी सरदारा, के खामन अस्तीन का सांप होता है, कभी ना कभी टस के छोड़ दे मेरे अरब्बा। अब भाई ऊपर, मेरा मतलब है मेरे कमरे में आ जाए, बेड खाली है, ओ बल्कि ना वजू करके ना तो फटाफट दो नफल पढ़ ले, शुक्राने के बीवी के हाथों जलील हुए हैं ना वो, क्या कहते होते हैं आप के बुढ़ी के हाथों बंदा जलील होगा तो ही रिश्ता तवील होगा। खुलवो तेरे मर्द, आजे रिश्ता तवील करा ले, आजे करता हूँ मैं तेरा रिश्ता तवील। दुर्नाक की है, बेगैरत बेशरम, क्या चाहता है तू? है जल्दी पे तेल का काम कर रहा है, तू चाहता है हम वखो बखो जाए, तुम सारे यही चाहते हो ना, फिल्म भगवान बनाना चाहते हो, ये नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा ये। सरताज चले अंदर, हाँ चल बे, हुआ बंद कर, सदके जावा। कैसे हैं? अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र इतनी जल्दी जा रही है, वो भी नाश्ता किए बगैर? नहीं नाश्ता नहीं करना, पहली बहुत देर होगी है, वो क्या है ना इम्तिहान आ रहे हैं तो वो
एक तो उसे गेस्ट पेपर लेने हैं। अच्छा अच्छा माँ सबके जा। खुदाफिज़। खैर हो, खैर से जा। ये भी तीन दिन पहले भी कह रही थी कि इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, पेपर आज भी। नगीना वैसे कुछ ज्यादा नहीं झूठ बोलना शुरू हो गई? जानती हूँ मैं, पता है मुझे। तो फैल ने उसको छोड़ना हुआ कॉलेज, इसलिए चली गई जल्दी से। मुझे क्या, बड़ी टीट है तू, बड़ी टीट है। कहाँ जा रहा है? नाश्ता करके जाओ, शुजा लेने गया हुआ है। बस आता ही होगा दो मिनट में। तू बल्कि बोले, वो आ भी गया। सलाम अलैकुम। तो फैल भाई, अब्बा ने आपके लिए स्पेशल अच्छा वाला सालन भेजा है। वो फेवरेट बोटी जो आप खाते हैं, वही डाली है इसमें। पीछे हट, रास्ता दे, पीछे हो। अम्मा, ये फैल भाई को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तो बैठ नाश्ता लो। फिर वैसे ही चले गए बगैर नाश्ता किए। वैसे नगीना जी, आज के दिन का आपको पहला सच बताऊं? बताइए। मुझे भूख बहुत सख्त लग गई। क्यों? इसलिए कि आज नाश्ता जो नहीं किया। हाँ, नाश्ता क्यों नहीं किया? नाश्ते की जगह आज मैंने बगावत जो कर ली। बगावत किसके लिए? आपके लिए। वो हुआ कुछ यूं के रात को ना, माँ जी और अब्बा जी ने मुझसे कहा कि तुफैल अब तेरी शादी कर देते हैं। बात सुनते पहले तो मैं बहुत ही शर्माया, फिर मेरे पैरों तले से उन्होंने जमीन ही निकाल दी। और मैंने साफ कह दिया कि कान खोल के मेरी बात सुन लो, अब्बा जी शादी होगी तो सिर्फ नगीना के साथ होगी, वरना नो मैरिज। बहुत सख्त लग गई। बिस्मिल्लाह करें। इस तरह ना देखें, वरना मुझसे नाश्ता होना नहीं है। क्या सोच रहे? क्या सोचना है जी? हुआ सोच है जो जवान धियों के माँ बाप को होती है। हाँ। ज्यादा ना सोचा कर, अल्लाह सब ठीक कर देसी। हाँ इंशाल्लाह। देखो जी, वो आपके बड़े भाई जान के माशाल्लाह से चार चार बेटे हैं, और खैर से हमारी फिरोजावान नू बन के जा रही है। मैं तो आदी हूँ, अगर हमारी एक और बेटी का रिश्ता वहां हो जाए तो क्या है। राश्ता, मैंने सारी जिंदगी भाईजान से कुछ नहीं मांगा, आने दे उनको, एक और बेटे का अपनी बेटी के लिए मांग लूंगा रिश्ता। हाय, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाए। और जो बाकी पांच है ना, आपने देखना है, अल्लाह साई उनके नसीब भी चंगे करे सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी जान, एवी तो हो सकता है कि वो अपने चारों बेटों के रिश्ते मांग लें। हाय सदके जावा मेरी धी, सदके जावा, तेरे मुँह च घी शक्कर। हाय किड़ी तेरी जबान चंगी है, अल्लाह सोना तेरी जबान मुबारक करे, कितनी सोनी जबान है तेरी। अगर ये हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो जावन। तू परेशान न थी राश्ता, मैं एक बेटी के लिए मना ही लूंगा भाईजन। बड़ा ही चंगा करे सब तुसी। तो नाश्ता भी खत्म हो गया, बता क्यों नहीं रहे, क्या कहा फिर उन्होंने? वो नगीना जी, मेरे जो अब्बा जी है ना, अब्बा जी वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी जो है ना वो चाचे के घर हो जाए। चाचे के घर? मुल्तान वाला चाचा, कुछ 6-7 बेटियां हैं उसकी। नहीं, मेरा मतलब है कि उनमें से किसी एक के साथ चाहते हैं अब्बा जी। अब्बा जी चाहते, मैं नहीं।
पर मैंने अब्बा जी से कह दिया, साफ कह दिया उनके मुंह पे कि अब्बा जी शादी होगी तो सिर्फ नगीना के साथ होगी, आगे आपकी मर्जी। कह दिया, टेंशन नहीं लेनी। क्या हुआ? बोतल पी लो, ठंडी हो जाएगी, मेरा मतलब गर्म हो जाएगी। देर हो रही है, चलो। बात सुनो, ओए पैसे गड्डी में आगे ले लो। क्या आप? आपने सच बताने में इतनी देर कर दी, ऐसे थोड़ी होता है, बंदा कम से कम सच तो बताए, अब क्या बनेगा? बताती कैसे है, बचपन में हुई थी बात, जवान होते तो बताती ना। हाँ, लेकिन फैल भाई कहाँ मानेंगे, और अब्बा को मनाना तो अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल है भाई। पता है, तो फंसी कौन मैं, एक तरफ खावंद है, दूसरी तरफ पुत्र है, क्या करूँ मैं, स्यापे मेरे जोगे रह गए सारे। दुआ करना, आज मैं शूटिंग देखने जा रहा हूँ, अल्लाह करे रोल मिल जाए मुझे। आमीन। मैं समझी खा ली। क्या हो गया नगीना जी, कोई बात ही करो, ऐवें ही मुंह सुझा लिया आपने तो। क्या बात कर, तुमने उनसे कह दिया कि जो आपकी मर्जी? नहीं, वो देखो नगीना, एक तो वो बादशाह आदमी है, ऊपर से मेरे अब्बा जी हैं, तो अब तो वो करेंगे अपनी मर्जी, बिल्कुल करेंगे, और तुम चुपचाप वहीं पे शादी कर लोगे। वैसे बहुत तेज है खाला, बहुत तेज है, बेटी कहते कहते उनका मुंह नहीं थकता था, लेकिन जब रिश्ता ढूंढने निकली तो मैं नजर नहीं आई उन्हें। ओ नहीं, नहीं, ये रिश्ता उन्होंने थोड़ी किया है, ये रिश्ता तो अल्लाह बख्शे मेरी दादी ने किया था बचपन में। बाबा और दुआएं तो होने, और दुआएं तो, बल्कि अभी इसी वक्त कब्रिस्तान चलो, उनकी कब्र पे फूल डाल के दुआएं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो तुम दूर हो रहे हो मुझसे। अब बिश्तन दादी को क्या पता था कि तो फैल रह जाएगा नगीना, मेरा मतलब कि तो फैल नगीना से मोहब्बत करेगा। तुम्हें पता था इस रिश्ते के बारे में? नहीं नहीं, कसम से मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो आज तक उनको देखा तक नहीं, हालांकि 6-7 है मैंने एक को नहीं देखा। वो हम कभी बचपन में एक दफा गए थे मुल्तान, और वो कभी लौट आए नहीं। मैं तुम पे ये जुल्म नहीं होने दूंगी, तुम ना बस डट जाना अपने माँ बाप के सामने। लो बताओ, मैं अपने अब्बा जी के सामने आंख नहीं चुक सकता, डटना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अख लड़ा सकते हो लेकिन उठा नहीं सकते अपने बाप की तरह। मामा बताती है आंख तो बहुत लड़ाई है उन्होंने लेकिन कभी उठाई नहीं है। एक तो मुझे अपने अब्बा जी की समझ नहीं आती, जिस घर में जाओ उनकी कहानियां मशहूर है, अब्बा जी ना हो गए वहीद मुराद ही हो गए। मैं तो कहता हूँ एक एक अनार का जूस ना हो जाए। अच्छा वो तो कहो सदके जाऊं, हैं? कह दो वो उसके बगैर मुझसे गाड़ी नहीं चलती। किसान गाड़ी चलाओ। नहीं वो तो मैं चला ही रहा हूं, नहीं होता, अल्लाह सब ठीक करेगा। ओए अनीक। जी पाजी। रोटी खाए? जी पाजी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਪਾਜੀ। ਬੇਟਾ 16-16 ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੋ ਤੋੜੇ ਆਪਕੇ। ਅਭੀ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਦੋ ਤੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਲਿਕ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਾਕੀ ਆ ਗਈ 160 ਦੀ ਤੋੜ ਪਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਉਸਨੇ ਮੁਝਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ 5 ਕਿਲੋ ਕਾ ਵੱਟਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਭੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਥੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਭਾਰੀ ਥੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ, 2 ਕਿਲੋ ਕਾ ਵੱਟਾ ਹੋਰ ਡਾਲ ਦਿਆ, ਪੱਲੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਿਲਾ,
कहा कि तेरी मोहब्बत में खोल है, मैंने कहा तेरे पलने में झोल है भाई। अब भाई सामने बैठे हैं, उतर ये ना हो कहीं तेरा ही फंस लगा दे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो गला दबा के एक्टिंग कर रहा हूँ मालिक भाई। इससे पहले कि दही की खटास मेरे शौक की मिठास को मार दे, भाई पैसे दे दो यार, शूटिंग देखने जाना है। तो 100 रुपया मिलेगा पर 2 घंटे दुकान पे बैठना पड़ेगा। फिर दुकान पे? आहो, मैंने शालमी जाना है, थोड़ा सा सौदा लाना है, दुकान पे बैठ। तो पुत्र उधार नहीं देना, रेट सारे पढ़ के दे दे, ठीक है? कोई गलती लगे तो अब्बा जी से पूछ लेंगे। फिल्मों में बहुत देखा है, दुकान चला लूंगा मैं, आप बेफिक्र हो जाए, आप आराम से आराम से आराम से। मालिक भाई 2 घंटे क्या 4 घंटे लगा क्या यार, दुनिया का सबसे बड़ा शहजादा मेरे भाई। क्या चाहिए भाई, गए हुए हैं। पुत्र ये जो लुकन मीठी की मोहब्बत होती है ना, ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं देती, पर मुझे खटक थी के कुछ होने वाला थी, खटक मुझे। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो उन लोगों का भी नहीं है जो जो कसूर में बसते हैं। हैं? से क्या बात कर रही हूँ और आप मुझसे उल्टा क्या बातें कर रही है? अच्छा चल जाने दे, छोड़ दे इस बात को, मुझे ये बता कि तू फैल क्या कह रहा है। परेशान है वो। परेशान है भाई, बताता क्यों नहीं माँ पियो को कि मैं शादी करना चाहता हूँ नगीना से, है? कह दिया है उसने। अच्छा अच्छा, तो फिर देखना, इतनी बड़ी बात किसी से छुपाई जा सकती है? नहीं ना। और वो जो है ना फातिमा की देवरानी मुल्तान में रहती है, तुझे पता है ना, ज्यादा ही खूबसूरत है, तो रिझ गई होगी उनमें से किसी के ऊपर। और क्या क्या मतलब है? मैं कम खूबसूरत हूँ? अरे पुत्र मैंने ये कब कहा है, मैं तो ये कह रही थी कि बस 19-20 का ही फर्क होगा बस। अच्छा तो 19-20 में 19 कौन है और 20 कौन? मेरा कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना वहाँ पे, तो रंग पिघल जाता होगा, पर ना हमारी नगीना तो इतनी खूबसूरत है। ना मेरा बच्चा, उपवास करती है वो, उपवास कर रही है, दफा कर तू। वापस कर दो मेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ। हमें जान समझाओ ना एना को। ना क्या समझावा, तेरी बहनें तेरी खुशी मनावण दा हक है इनको। जब अपने ससुराल चली जाओगी ना तो ये यादें ही हैं जो बस हमारे साथ रह जाएंगी। क्यों, मैंने वापस नहीं आना क्या? आओगी पर मेहमान बनकर, बस 1-2 दिन के लिए, बाकी तो सारी जिंदगी वहीं गुजारनी है ना, अपनी सास के पास बेटी बनकर खिदमत करना। आंखों में सजा के ख्वाब तेरे, अम्मी जान मैं तनुमत रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ।
मामा क्या हुआ है, तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस तुफैल ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब कैसी परेशानी? उसने ना चाचे के घर शादी करने से इनकार कर दिया। फिरोजा से शादी नहीं करनी? क्यों? कहता नहीं, खाला के घर करनी। नगीना, इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। अम्मी मैं आपको बताती थी ना कि तुफैल भाई आजकल नगीना के साथ घूमते फिरते नजर आते हैं। चल सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए दोनों एक जैसी है, मगर मैं क्या करूँ? मुझे पता दादी ने रिश्ता किया हुआ बचपन से, कैसे जवाब दूँ, तोड़ूँ कैसे? और फिर रोजा बाजी तो नगीना से बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं बेटा, प्यारी वो भी प्यारी है, वो भी अच्छी है, लड़कियां सारी अच्छी हैं, ये कोई बात नहीं है। बात सारी ये है कि रिश्ते को जवाब कैसे दूं चाचे को, तेरे टोकरा भरा हुआ लड़कियों का, क्या बोलूं मैं? तो अब्बा क्या कहेंगे? अब्बा नहीं तेरा मानने वाला, उसकी जान है अपने बहन भाइयों में, सुनता है वो? कभी भी नहीं मानेगा, सारा स्यापे ये पड़े ने मुझे। हाय तुफैल, क्या किया तुमने? राशिदा जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो मेरा बेटा। ये ले पकड़ पैसे, कल सवेरे फिरोजा को साथ ले जाकर भाईजन, भरजाई और बाकी सब के लिए कपड़े लेकर आ। तो सफी करी ना करो, बड़े चंगे जोड़े लेके आसा। मेरी चंगी थी अम्मा। हाँ। सबके लिए कपड़े क्यों? झल्ली उन तेरा ताया जान ना फिरोजा के सावरे बनने वाले हैं, अब रस्म और रिवाज तो पूरे करने हैं ना। रब सोना मेरी धी को हमेशा खुश आबाद रखे। आए, मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल कर दिया उसने, क्या करूं? ठहर मैं भी फोन करती हूँ उसको। ठहर जा। और पुत्र, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, जब तक बंदा जिंदा रहेगा ना जरूरतें साथ ही रहेंगी। फिलहाल ये रख और चल जा शाबाश काम कर जाके। ठेकेदार, उनको बैंक नहीं खोला हुआ यहाँ। सलामुअलैकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। बात सुन, ये तूने क्या कह दिया मेरी बच्ची को हैं? खाला जी मैंने क्या कहना है? अच्छा तूने कुछ नहीं कहा, वो जब से कॉलेज से आई है रोती जा रही है, रोती जा रही है। रो रही है? हाँ रो रही है, ना कुछ खाती है ना कुछ बताती है, बस तेरा नाम ले लेके रो रही है वो। हाँ खाला जी मैं तो अभी जिंदा हूँ। पर वो तो मर रही है ना, तू जिंदा है तो। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आता हूँ उसे मिलने के लिए। कोई जरूरत नहीं आने की। हाँ आता हूँ मैं। मैं तुझे अपना बच्चा समझ के यहाँ आने देती थी? हाय तुझ पे भरोसा करके उसको तेरे साथ ले जाया करती थी। अगर मुझे ये पता होता ना कि तूने उसको ऐसे रुलाना है तो मैं तुझ पे कभी भरोसा ना करती, कभी भरोसा ना करती। नहीं खाला जी मैं वो तो मैं... चुप कर जा हाला में। बात सुन, खबरदार जो तू यहाँ पर आया तो। हाँ सुन लिया? हेलो खाला जी, मेरी ये क्या किया आपने? अब तो उसे बहाना मिल जाएगा। मेरी बोली थी, तुझे क्यों नहीं समझ आती? देख जब तक औरत के इकरार में इनकार का तड़का लगता रहेगा ना, मर्द उस पर मरता रहेगा। हाँ वरना ये मर्द लोग औरत को जीने नहीं देते। लो बताओ। अब बूटिया की बद्दुआ तो नहीं दे दी? हालांकि घर नहीं जाऊंगा तो रोटी कैसे हजम होगी? बूटे पुत्र और पैसे ले ले मुझसे। अब बूटिया।